कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की घातक होने के आसार कम हैं। टीकाकरण और डेल्टा वेरिएंट के व्यापक प्रसार के कारण अधिकांश लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से लौटे 16,000 यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच कराई गई है, जिनमें 18 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इन नमूनों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। श्री मांडविया ने बताया कि वायरस से बचाव के लिए बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण पर फैसला वैज्ञानिक सलाह के आधार पर किया जाएगा। उधर सीएसआईआर से जुड़े